इतना प्रभावित हो गया कि कंस जैसे लोग बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि हम तो रथ हांकेंगे। लेकिन भगवान को यह पसंद नहीं था, क्योंकि कंस देहाध्यास है, परमात्मा को जिस मां के गर्भ से आना है वो देहाध्यास उसके रथ को हांके, असुर की तरह वो बने, देह उसका मालिक हो, वहां भगवान नहीं आ सकते। देह ही जिसके लिए प्रधान है, देव नहीं, वहां भगवान नहीं आ सकते। इसलिए कहा भैया ये प्रोग्राम कैंसिल, कंस करेगा तो मामला ही नहीं बना, ऊपर से हो गया। अरे आठवां तेरे को मारेगा, अब पकड़ के एक ही मिनट में पकड़ के जेल में डाल। अब वसुदेव जी देखो कितने, वसुदेव जी क्या गजब के पॉलिटिशियन है, कितने समझदार, कितने विज्ञ। जहां सब कुछ जा रहा था उसी समय मार रहा था, लेकिन वसुदेव जी ने सोचा कल देख लेंगे, बच्चों को मारने के लिए बोल देते, अभी तो जान छोड़ दे। कंस बोला भैया हम बच्चे होंगे, तुम मारते रहना, अभी छोड़ दो, जेल जाना स्वीकार किया। वो हमारे जैसे लोग रहेंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकूं, वहीं कट जाता सर, खत्म हो जाता। आप लोग ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, जन्म होने में देरी हो जाएगी। दिव्याति दिव्य भाव से छह का संकर्षण, पहला सरोगसी, सरोगेट मदर, संकर्षण एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में, इस पर भी चर्चा होगी। भागवत कितना एडवांस है, 5,500 साल पहले, जिसको आज तुम हाय हाय कर रहे। भगवान को खींच के रोहिणी के गर्भ में डाला गया, बलभद्र जी का जन्म हुआ, और अब वो समय आ गया कि ठाकुर जी जेल में कहां आएंगे, अंग्रेजों के जमाने के, हां साहब कारागार में बंधन में ही ठाकुर जी आते हैं बंधन खोलने को। मैं चाहूंगा कि फट से अगर कोई बैठा हो तो एक श्लोक पढ़ दो, है किसी के पास? ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में, एक बात बस याद रखना, दुनिया में जब साधारण मैया के पेट में दर्द होता है तब बच्चा जन्म लेता है, और भक्त के हृदय में दर्द होता है तो ठाकुर आता है इस पृथ्वी पर। जब भक्त के छाती फटती है वो पुकारता है तो ठाकुर का आगमन होता है। तम अद्भुतम बालकम,